इसके लिए आप पूरी तरह से दिल को थाम के बैठिए क्योंकि दो ब्यूटिफुल एंजल्स हमारे हितेश और शुभांगी वशिष्ठ दोनों आ रहे हैं स्टेज पर इनके लिए इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी जानते हैं ये हमारे बहुत सीनियर पिरामिड मास्टर्स हैं जो कि कितनी सारी पद्धतियों में इन्होंने कितने सारे इन्होंने ले रखी हैं डिग्रीज जिसमें से हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन इनर चाइल्ड वर्क लाइफ बिटवीन लाइफ्स रिग्रेशन फैमिली कॉन्स्टलेशन एंसेस्ट्रल हीलिंग बाप रे बाप रीबर्थिंग वर्क और पता नहीं कितना कुछ तो ये कॉन्शियसनेस कोच हमारे सामने आ रहे हैं इनके लिए बहुत ही जोरदार तालियाँ बहुत ही प्यार से हम इनका अभिनंदन करेंगे और बहुत ही आनंद से हम इनके इस वर्कशॉप का लुफ्त तो उठाएंगे थैंक यू फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम हितेश एंड शुभांगी इट्स माय ऑनर टू वेलकम यू ऑन स्टेज एक और तालियां थैंक यू आत्मवंदन आप सभी को तो ऋषिकेश की पावन धरती और महायोग ध्यान कुंभ छे और आप सबका साथ धरती पर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ है इस समय में है आप सबका हमें महायोग ध्यान कुंभ में इस तरह से जुटकर आने का और ज्वाइन करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू तो दोस्तों आज से छह साल पहले इसी घाट पर एक महायोग कुंभ ध्यान कुंभ किया गया था हर साल उस ध्यान कुंभ को किया गया और अगर मुझे ये ध्यान कुंभ छ के बारे में बात करना हो और कोई अगर मुझे पूछे कि मेरा इस जीवन का सबसे खुशी का पल कौन सा है तो मैं कहूंगा कल शाम का पल जब आपको सबको हमने यहां पर देखा और आ, जिसे कहते हैं खुशी के आंसू आप सबको देखकर हमें बहुत अच्छा लगा और ये जो ध्यान है ये जो जिसे हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की एज है सतयुग है जो सुनहरा युग की तरफ हम जा रहे हैं चेतना का विस्तार जो विकास हो रहा है इस समय ये सब आपके कारण हो रहा है और आप सब इसके भागी हैं इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इसके साथ धन्यवाद करना चाहूँगा ब्रह्म ऋषि सुभाषपत्री जी का हमारे टीचर्स डॉक्टर न्यूटन डॉक्टर लक्ष्मी और बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स डीएलएन शास्त्री जी जिन्होंने मैं कहूँगा कि इसका जो बीज बोया महायोग ध्यान कुंभ का क्योंकि हम उनको बहुत करीब से देखा है और इस ध्यान युंग कुंभ को भी हमने धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा है तो मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम में हैं आप सब और आशा करता हूं कि आप यहां पे हैं और इसका पूरी तरह से लाभ लेंगे ध्यान करेंगे सुबह ध्यान शाम ध्यान गंगा के किनारे संगीत और भिन्न भिन्न मास्टरों से उनके अनुभव सुनेंगे उनसे सीखेंगे तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा अभी का समय सृष्टि पर कभी पहले आया नहीं है कोरोना बनके तो किसी के लिए कह सकते हैं कि अभिशाप के रूप में आया पर कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं कि चेतना का विस्तार करने के लिए वो एक वरदान के रूप में आया है और आप में से कितने सारे लोग इस समय कोरोना के समय में जुड़े अपने अपने भीतर की यात्रा को शुरू किया जाना खुद को और आज आप सब हमारे साथ यहाँ पर हैं तो दोस्तों बात हो रही है अगर विकास की हम खुद को जानने का प्रयास कर रहे हैं खुद को खुद के भीतर की यात्रा कर रहे हैं तो हमें अपनी इंट्यूशन को भी बढ़ाना है क्योंकि एक रोज़मर्रा की जिंदगी में हम अपनी जीवन को इन पांच इंद्रियों से जीते हैं देखते हैं सुनते हैं महसूस करते हैं सूंघते हैं और टेस्ट करते हैं पर छठी इंद्री जिसे हम कहते हैं इंट्यूशन या अंतर ज्ञान इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते और सोचते हैं कि केवल एक महापुरुष केवल एक बहुत ही बड़ा ध्यानी इंट्यूशन उसका ही है त्रिनेत्र केवल उसका ही है या शंकर भगवान का ही त्रिनेत्र है पर दोस्तों हम सबके पास वो त्रिनेत्र है क्योंकि हम उस भगवान के बच्चे हैं तो जो शेर का बच्चा शेर तो शिव का बच्चा शिव तो हम सबके पास वही है तो आज हम आप सबके साथ इंट्यूशन पे काम करेंगे जिसे हम कहते हैं अंतर ज्ञान अपने भीतर की इंट्यूशन को कैसे हम जगा सकते हैं और आप में से आज बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके खुद ब खुद जानेंगे कि कैसे मेरी इंट्यूशन काम कर रही है रोज काम करती है ये पर हम उस पर ध्यान नहीं देते तो आज हम उस पर ध्यान देंगे बहुत ही इंटरएक्टिव सेशन होगा और आशा करते हैं आप इसका पूरा लाभ लेंगे इसके साथ मैं चाहूंगा कि शुभांगी कुछ शब्द आप सबको कहे आत्मवंदन आप सभी को मेरा जैसे हितेश कह रहे हैं कि उनका खुशी का अगर कोई एक मेमरी या पूछा जाए कि क्या था वो कल की शाम थी वैसे ही खुशी मैं कहूँगी आप सब अपने भीतर इस खुशी को महसूस कर रहे होंगे और जब परिवार बढ़ता है परिवार जो आत्म ज्ञान के लिए आगे बढ़ता है ये परिवार जब फैल रहा है बढ़ रहा है इसकी खुशी का मैं कहूँगी कि कोई भी अंत नहीं है ये इटर्नल हैप्पीनेस है जो हम सब अभी महसूस कर पा रहे हैं इस टाइम पर तो आप सभी को मिलकर और जो यूट्यूब पर भी हमें देख रहे हैं लोग उनकी ऊर्जा को भी हम सब महसूस कर पा रहे हैं इस समय में तो आज का जो हमने टॉपिक चुना है इस कार्यशाला के लिए वो है इंट्यूशन इस कार्यशाला में हम जानेंगे कि क्या है इंट्यूशन हम सब में बहुत सारे विचार चलते हैं कि लॉजिक माइंड है हमारा और एक इंट्यूशन है हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि किसकी बात सुने और किसकी नहीं सुने तो वो जानेंगे हम और जानेंगे कैसे हम अपनी ये अंतर्ज्ञान को बढ़ा सकते हैं क्या टूल्स हैं क्या टेक्निक्स हैं जिससे हमारी इंट्यूशन और डेवलप हो सकती है तो आप सबने मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में सुना है किसी ने आपने से जी तो मुल्ला नसरुद्दीन मेरे बहुत फेवरेट हैं क्योंकि जो उनका ह्यूमर है जैसे वो सिखाते हैं बातों को अपने कहानियों के ज़रिए जर्य, से तो मुझे लगता है कि अगर हम कहानी को सुन के चीज़ों को समझते हैं तो वो ज़्यादा हमारे भीतर जाती है क्योंकि वो हमें याद रहती है कहानियाँ तो ऐसे ही मैं एक मुल्ला नषरुद्दीन की आपसे एक आ, कहानी या उनकी लाइफ की चीज़ शेयर करना चाहूँगी तो एक बारी मुल्ला अपने घर में बाहर अपने गार्डन में होते हैं और बहुत अच्छी सुबह होती है जैसे अभी ऋषिकेश की सुबह है सुंदर सुबह है सूरज निकला होता है और वो एक पेड़ पे पेड़ की बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है तो वो उसकी ब्रांचेस को काट रहे होते हैं ताकि उसकी शेड हो ब्रांचेस तो ताकि पेड़ और ग्रो कर पाए बहुत बड़ा पेड़ होता है तो वो एक ब्रांच पे बैठ के तोड़ रहे होते हैं उनकी टहनियों को तो वहाँ से एक आदमी निकलता है और वो देखता है मुल्ला को कि मुल्ला कर क्या रहा है आ, पेड़ के पे ऊपर बैठा हुआ है और टहनियों को तोड़ रहा है और वो एक और चीज देखते हैं कि मुल्ला उस टहनी को तोड़ रहा है जिस पे मुल्ला बैठा हुआ है तो उसको लगता है कि ये मुल्ला कर क्या रहा है ये तो वही टहनी तोड़ रहा है जिस पे वो बैठा हुआ है तो उसे रहा नहीं जाता और वो मुल्ला को कहता है मुल्ला तुम क्या कर रहे हो इसको मत तोड़ो इस टहनी को तुम गिर जाओगे तो मुल्ला जब ये सुनता है और मुल्ला के मन में आता है कि लोग क्या है लोग अपना ज्ञान फ्री में बांटते रहते हैं बताते रहते हैं कि क्या मुझे करना है क्या मुझे नहीं करना उस बात को अनसुना सा कह देता है और वो इंसान भी जो वहाँ से निकल रहा होता है वो आगे अपनी यात्रा में जारी रहता है चला जाता है और थोड़ी देर बाद क्या होता है दोस्तों मुल्ला उस को तोड़ रहे होते हैं और वो गिर जाते हैं और मुल्ला जब गिरते हैं और कहते हैं अरे बाप रे मैं तो गिर गया उस आदमी ने सही बोला था कि मैं गिरने वाला हूं तो वो उसके पीछे भागते हैं और कहते हैं कि अरे मुझे अपने भविष्य के बारे में तो बता दो कि मैं कितना जी पाऊंगा तो ऐसे ही दोस्तों क्या होता है इस कहानी से मुल्ला हमें क्या बता रहे हैं कि जो ये इंट्यूशन है ये हम सबके भीतर है पर हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं हमें लगता आई और चली गई पता नहीं सही है गलत है इसको नहीं सुननी चाहिए जैसे मुल्ला ने उस बात को अनसुना कर दिया पर वो इंसान जो उनको बता रहा था कि तुम गिर जाओगे ये क्या है ये है हमारी जागरूकता हमारी इंट्यूशन जब हम जगे होते हैं जब हम अवेयर होते हैं हम अपनी इंट्यूशन को सुन पाते हैं हम अपनी इंट्यूशन के संदेश को सुन पाते हैं तो ये हमारे अंदर ये सवाल रहता है कि इंट्यूशन सिर्फ कुछ लोगों में होती है या जो लोग बहुत ऊंची पद्धतियों पे पहुंच जाते हैं वो इस इंट्यूशन को डेवलप कर सकते हैं पर ऐसा नहीं है दोस्तों ये पहला मिथ है है सबसे पहले कि हम सब में इंट्यूशन कहीं से आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है हम सब के अंदर ये जागरूकता ये आत्मज्ञान है सिर्फ हमें क्या करना है उसके प्रति जागरूक होना है और ये समय जागरूकता का है आप सब जगे हुए हैं आप यहाँ ध्यान कर रहे हैं आप जग चुके हैं तो जो जगह नहीं होता उसके लिए क्या है वो एक की जो इंट्यूशन एक एरो के जैसे आती है एक तीर के जैसे आई और चली गई उसको पता भी नहीं होता जो जगह नहीं होता कि ये इंट्यूशन है मेरी बट जो जगह होता है इंसान जो जागरूक होता है उस तीर जब वो निकलने वाला होता है तब भी वो ध्यान रखता है कि अच्छा ये ये है है मेरी इंट्यूशन, ये है मेरा आत्मज्ञान जो मुझे कुछ बताना चाह रहा है अपने बारे में तो अब हम और जानते हैं इस इंट्यूशन के बारे में कि क्या है ये एग्जैक्ट इंट्यूशन तो कैसे हम इसको ग्रो कर सकते हैं तो दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम हम सब ने सुना है और एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि हमारे पास एक इंट्यूटिव माइंड होता है और एक तर्क वितर्क का माइंड होता है जिसको हम रैशनल माइंड कहते हैं इंट्यूटिव माइंड एक राजा की तरह है और रैशनल माइंड एक सर्वेंट की तरह है उनका कहना यह भी है कि पर आज के युग में ये उल्टा चल रहा है क्योंकि हम रैशनल माइंड तर्क वितर्क के जो हमारा मन है उसको ज्यादा बढ़ावा देते हैं और इंट्यूशन को अपने अंतर ज्ञान को कहीं ना कहीं छुपा कर रखते हैं जब हम पैदा हुए थे तो हम इंट्यूटिव माइंड के साथ पैदा हुए थे कौन सिखाता है बच्चे को दूध पीना कौन बच्चे को सिखाता है कि यहाँ से बोला जाएगा हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम एक ही बार में अपने आप सीखना शुरू हो गए थे हमें किसी ने सिखाया नहीं था दोस्तों तो ये क्या है ये एक हम सबके भीतर जो इंटेलिजेंस है जिसको हम छठी इंद्री या इंट्यूशन कहते हैं वो सब हमारे भीतर होती है पर जैसे जैसे हम बढ़ने लगते हैं हम बचपन में आगे जाने लगते हैं फिर क्या होता है हमें कहा जाता है ऐसे बोलो ऐसे करो ऐसे चलो ऐसे पहनो दूसरे के सामने ऐसे बोलो कोई आए तो उसके चरण स्पर्श करो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं और जैसे जैसे हम सीखना शुरू करते हैं उस सारी चीज़ में तो हमें ये भी बताया जाता है कि तुम्हारी इंट्यूशन का इस दुनिया में किसी चीज़ का लेना देना नहीं है कोई काम नहीं है उस चीज़ का इसको ज़रा अपने कमरे में रख दो क्योंकि ये दुनिया जो है ये दुनिया में नौकरी करनी है चलना है बढ़ना है डिग्रियाँ लेनी है बहुत कुछ अपने लिए क्रिएट करना है तो क्या करना होगा तुम्हें लोगों जैसा बनना होगा तुम्हें उनकी तरह तर्क वितर्क मैथमेटिशियंस बनना होगा जिसे कई के बार हम अपने मुहावरे में कहते हैं किताबी कीड़े बनना होगा You know, पूरा रैशनल माइंड को चलाना होगा और बस इसी की दौड़ में हम लगे रहते हैं चलते रहते हैं और कहीं भूल जाते हैं कि हमारी इंट्यूशन हमारा इंट्यूटिव माइंड हमारे अंदर है और हम उसको कभी भी साथ नहीं देते तो इन्हीं शब्दों से एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना है कि जो बचपन की इंट्यूशन है आज हम उसे एक्सेस करेंगे और इसके बाद हम आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे कि आप घर में भी इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं पर्सनली हम अपनी लाइफ में मैं और शुभांगी अपनी लाइफ में इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा महत्व तो देते हैं हम जीवन के बहुत बड़े बड़े डिसीजन हमने इंट्यूशन के माध्यम पर लिए हैं अगर मैं आपको अपनी लाइफ में बताऊं मैं बाय एजुकेशन में एमबीए ह्यूमन रिसोर्सेज था मैं अपनी कार्यशाला में कार्य में बहुत अच्छा कर रहा था पर जब मैंने ध्यान करना शुरू किया मेरे अंदर से मेरी इंट्यूशन जिसे हम कहते हैं वो बोलना शुरू हुई कि मेरा काम क्या है मुझे क्या करना है और उसको सुन के इंट्यूशन का ये गाइडेंस है अच्छा लगा पर उसके साथ साथ भय भी आया मुझे डर और डर ये कहने का कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपना जो लोग कहते हैं जीवन सेट करो जीवन सेट करो मैंने तो जीवन सेट कर लिया 25 साल की उम्र में, में मेरा जीवन सेट हो गया पर मैं इस चीज को छोड़ के अब कहाँ चले जाऊं कैसे करूं मन भी है मुझे करना भी है मेरी आत्मा की आवाज भी है पर डर भी है दोस्तों फिर ध्यान के माध्यम से मैंने उस डर पर एक साल के लिए बहुत अच्छे से काम किया और एक दिन ऐसा आया कि मैं उस चीज को पूरी तरह से शिफ्ट कर पाया क्योंकि जिसे कहते हैं कि मैं अपना रेजिग्नेशन भी देने के लिए तैयार नहीं था मुझे ये था कि मैं लाइफ की सेफ्टी को कैसे इंजॉय कैसे कैसे अपनी लाइफ में लेकर आऊँगा और 2012 में मैंने ये किया आज 2021 का समय है मैं बहुत दावे से और खुशी से कह सकता हूँ आई एम मोर कंटेंट मैं ज़्यादा जिसे हम कहते हैं कि अपने में पूरा कंटेंट महसूस करता हूँ ज़्यादा खुश महसूस करता हूँ फिजिकली मेंटली इमोशनली अपने आप को ज़्यादा ग्रोथ में प्रगति में देखता हूँ तो ये है इंट्यूशन का गिफ्ट आप भी ऐसे इंट्यूशन के गिफ्ट को सुन सकते हैं रोजमर्रा के जीवन में ये इंट्यूशन कहीं ना कहीं आप सबको बोलती है अच्छा मैं अगर आपको पूछूँ कभी आपने जीवन में कोई इन्वेस्टमेंट की हो इंट्यूशन का कोई कुछ सुना हो मेरी इंट्यूशन कह रही है ये चीज कह मुझे यहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए इस घर में इन्वेस्ट करना चाहिए इस जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए कभी सोचा है आपने वेरी गुड यस वंडरफुल तो दोस्तों इंट्यूशन क्या है क्या है इंट्यूशन अगर आप इस शब्द को भी तोड़ें यह है इन ट्यूशन बचपन में हम सब ट्यूशन लेते थे एक टीचर के पास जाते थे वहां बैठते थे उनसे ट्यूशन लेते थे और अच्छे से पढ़ाई होती थी इन ट्यूशन यानी कि अपने भीतर से ट्यूशन लेना जब आप अपने भीतर से बाहर के टीचर से नहीं अपने भीतर के टीचर से ट्यूशन लेते हैं उसे हम कहते हैं इन ट्यूशन इन ट्यूशन का मतलब होता है कि उस चीज को कर देना जिसके लिए कोई तर्क वितर्क कोई रीजनिंग आपके पास नहीं है क्योंकि वहां पे सब रीजन खत्म हो जाते हैं सिर्फ उस चीज को कर देना स्पॉन्टेनिटी में कभी कभी इंट्यूशन आती है आपको कभी कभी ऐसा हुआ होगा मुझे आज आ, इस व्यक्ति की बहुत याद आ रही है और कुछ ही घंटे में उस व्यक्ति का फोन आपके मोबाइल पर आता है ये कितनी बार होता है कभी वो व्यक्ति घर बाहर नॉक भी कर देता है घर के बाहर चलो चाय पीते हैं ये सब क्या है ये आपकी इंट्यूशन छठी इंद्री इसका कोई आप कहें कि इसका रीजन ढूंढे आपके पास कोई रीजन नहीं है इस चीज का कोई रीजन नहीं है ना क्या है ये इंट्यूशन आपकी आत्मा की आवाज आपकी आत्मा कैसे बोलती है आपसे आपके इंट्यूशन के माध्यम से तो जितना जितना हम अपने आपसे बात करना शुरू करेंगे हमारी इंट्यूशन उतना उतना हमारे साथ जुड़ती जाएगी तो इंट्यूशन क्या नहीं होती है मुझे यहां से प्रेजेंटेशन दिख नहीं रही है पर मैं तब भी आपके आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं साथ में ठीक है तो इंट्यूशन क्या नहीं होती है इंट्यूशन ट्यूशन भय नहीं होती है जैसे कई के बार किसी को बहुत सारे विचार आते हैं हमें हम उसको इंट्यूशन के साथ कंफ्यूज कर देते हैं पर आप कैसे पता करेंगे कि वो इंट्यूशन आपके माइंड की आवाज़ है या आपकी रियल सोल की आवाज़ है इन तीन चीजों पे। अगर उसमें भय है जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी के लिए इंट्यूशन आई तुम्हें यू you नो know, ये वाली चीज़ कर लेनी चाहिए नहीं तो तुम्हारी टांग टूट जाएगी कि क्या है इसमें भय है तो इंट्यूशन इस प्रकार से नहीं बोलती है इंट्यूशन एक अनकंडीशनल लविंग वॉइस आपकी सोल हमेशा अनकंडीशनल और लविंग बोलती है और आपकी सोल हमेशा आपको जीवन की परफेक्शन दिखाती है कि सृष्टि कितनी परफेक्ट है चाहे उसमें डामा डोल है सब कुछ ऊपर नीचे है सड़क उबर खाबड़ है पर तब भी बहुत सुंदर है सब कुछ परफेक्ट है उसके अंदर तो ये होता है इंट्यूशन इंट्यूशन बिना भय के होता है इंट्यूशन में इनर क्रिटिक नहीं होता इनर क्रिटिक यानी कि अरे मैं ऐसा हूं मैं तो ऐसे दिखता हूं मैं कर पाऊंगा मुझसे हो जाएगा तो ये क्या है ये इनर क्रिटिक आपके अंदर जो आपको बार बार आंकलन करता है आपको जिसे हम कहते हैं कि नीचे की ओर धकेलने वाली आवाज जो होती है इनर क्रिटिक की आवाज वो भी इंट्यूशन नहीं होती है और तीसरा दूसरों की जो ओपिनियन होती है जो दूसरों के विचारधारा होती है वो भी इंट्यूशन नहीं होती है जैसे आपको किसी ने कुछ बताया आप अपने साथ बैठे और वही विचारधारा आपको कही न कहीं ना कहीं जिसमें फियर है जिसमें क्रिटिक है वो दूसरों के भाषा के माध्यम से भी आपके अंदर डल गई अब आप उसे अपनी इंट्यूशन की आवाज़ समझकर उसे आगे फॉलो कर रहे हैं तो ये भी क्या है ये इंट्यूशन नहीं है तो क्योंकि आज हम इंट्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं और इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों तो आज हम अभी हम एक एक ध्यान करेंगे और एक एक्सरसाइज करेंगे इस ध्यान में क्या है जैसे मैं आपको रूल्स भी साथ साथ बता रहा हूं अगर आपको घर में अपने इंट्यूशन को प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले जरूरी है आपका मन का शांत होना आप ऐसा नहीं हो सकता कि दिमाग में खूब सारा क्लटर चल रहा है और आप कहें कि मुझे इंट्यूशन आनी चाहिए, इंट्यूशन आनी चाहिए ऐसा नहीं होगा पहले यहां पर क्लटर की सफाई करनी होगी सो so, आज हम एक, और एक प्रोसेस करेंगे। आप सबको हम उसके लिए एक्सप्लेन करेंगे जैसे ही वो क्लेंजिंग क्लियरिंग प्रोसेस हो जाएगी आप सबको अपनी जगह पर शांत बैठ जाना है किसी से बात नहीं करनी अपनी आंखें बंद कर लेनी है क्या आप तैयार हैं क्या आप तैयार हैं एक्सीलेंट तो अब आप सब खड़े होंगे और हमारे साथ अपने शरीर को एक डांस की तरह मूव करेंगे जैसे बॉडी क्लियर कर रही है बहुत कुछ हो रही है आपके विचारों की आपके शरीर की डांस म्यूजिक तो अपने शरीर को थोड़ा हल्का छोड़ेंगे ऐसे करेंगे वेरी गुड फ्री करें अपने हाथ को अपनी टांगों को भी थोड़ा सा करें, शाबाश वेरी गुड पूरा अपने शरीर खुल जाना चाहिए जितना शरीर खोलेंगे उतनी जल्दी रिलैक्स होंगे और उतना हम अपने अंदर जा पाएंगे कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज यस, जस्ट ओपन अप योर सेल्फ अपने अंदर से म्यूजिक आने दीजिए म्यूजिक है नहीं है चले दीजिए अपने आप को वेरी गुड Yes. Yes, free yourself. अपने आप को पूरा फ्री करें. अपनी अपनी जगह पर रहे uh. Open your hands fully. Yes. can use our throat. Woo! Yeah. Open your throat. Woo! Woo! Yes.

आप डांस कर रहे हैं इंटेंशन ये रखिए कि मैं क्लीन कर रहा हूं अपनी बॉडी को क्लियर क्लियर बॉडी क्लियर माइंड क्लियर इमोशंस वेरी गुड बॉडी मेरी फ्री हो रही है लाइट हो रही है वेरी गुड वंडरफुल एक्सीलेंट वेरी गुड ओके विल नाउ जस्ट सिट सिट वे यू आर वेरी साइलेंटली कंजर्व योर एनर्जी अपनी एनर्जी को बचा के रखें अपने लिए शांत शांत रहेंगे दोस्तों अब अपनी आंखें बंद कर लेंगे खुद को कहेंगे मैं तैयार हूं और अपना चश्मा उतार देंगे देखिए कि इस समय अपनी क्लियरिंग करकर आपके शरीर में खुद को कैसा लग रहा है अपना ध्यान केवल अपनी सांसों पर प्राकृतिक सांसों पर रखें योर नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ मां गंगा की शांति की लहरें हीलिंग की लहरें आपके शरीर में ऊर्जा के समान प्रवेश कर रही है कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है सब कुछ खुद ब खुद आपके भीतर हो रहा है समर्पित कर दें खुद को इस भीतर चल रही श्वासों को जो माध्यम है अपनी आत्मा तक पहुंचने के लिए सब कार्य छोड़ देने हैं केवल अपनी सांसों पर बने रहना है नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ शरीर में एक स्टिलनेस एक थम जाने की फीलिंग खुद ब खुद पैदा हो रही है एक ऐसी फीलिंग जो पहले नहीं हुई इतनी गहराई में इस गहराई में जाते हुए भी आपका ध्यान मेरी आवाज के साथ बना हुआ है बाहर की आ रही कोई भी ध्वनि कोई भी तापमान सब कुछ आपको सहायता कर रहा है खुद के भीतर जाने के लिए एक गहरी लंबी शांति में प्रवेश कर रहे हैं आप इस शांति में एक योगी के समान सबके भीतर वो योगी है आत्मरूपी योगी वो योगी सहज ही उभर रहा है आपके भीतर माने की आप इस जगह से उठकर अकेले ही इस गंगा मां गंगा के पावन तट पर एक सैर के लिए एक ब्राह्मण के लिए जा रहे हैं आप और आपके कदम एक के बाद एक एक के बाद एक हर पग को मां धरती को छूते हुए महसूस कर रहे हैं और गंगा मैया की जो आवाज है कानों में आ रही है इस वातावरण में जो महक है आपकी नासिकाओं के द्वारा आपके भीतर प्रवेश कर रही है सब कुछ वैसा ही है जैसा आपको खुद के भीतर जाने के लिए चाहिए एक योगी के समान खुद के साथ योग करते हुए के साथ चलते जा रहे हैं आप एक गहरी शांति में मां गंगा के साथ एक ऐसे वातावरण में निकल गए हैं जहां पहले कोई भी नहीं गया केवल आप पहुंचे हैं गंगा में अपने पांव धो सकते हैं अपने शरीर को डाल सकते हैं डुबकी लगा सकते हैं खुद को पूरी अनुमति दीजिए मां गंगा से हीलिंग लेने के लिए हर रोग को निरोग करने वाली ऐसी है मेरी मां ऐसी है हमारी माँ हर पीड़ा को हरने वाली ऐसी है मेरी माँ ऐसी है हमारी मां हर कष्ट को हरने वाली ऐसी है मेरी मां ऐसी है हमारी मां सूरज की किरने आपके ऊपर एक पिता की किरणों के समान पिता का लव पिता का अटेंशन पिता का प्रोटेक्शन आपको सुरक्षित रखने का भाव बरस रहा है अब इस समय में आपको अनुमति देनी है अपने बचपन के स्वरूप को इस दृश्य में आने के लिए आपके बचपन का स्वरूप जो स्वरूप कहीं पीछे रह गया और जिसके साथ पीछे रह गई हमारी इंट्यूशन हमारा वो स्वरूप जिसके भीतर अंतर ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है आपके बचपन की छवि आपके बचपन का स्वमेव दूसरी ओर से आपकी ओर आ रहा है आगे बढ़कर उसका स्वागत करें दोनों हाथ खोल कर उसका स्वागत करें उसे गले लगाए आप अपने दोनों हाथ खोलकर उसे गले से लगा सकते हैं वेरी yes, गुड वास्तविकता में सोचिए वो स्वरूप जिसके भीतर आपका अंतर ज्ञान आपकी इंट्यूशन है उसको आप गले से लगा रहे हैं यानी कि अपनी इंट्यूशन को अपने गले से लगा रहे हैं उसे कहें मैं तुम्हारा हार्दिक स्वागत करती हूं करता हूं मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूं कि मुझ में भी अंतर ज्ञान है जिसके साथ मैं पैदा हुआ था जिस इंट्यूशन के साथ मैं पैदा हुआ था हम सब पैदा हुए थे अपनी इंट्यूटिव सेल्फ को पूरी तरह से इस बचपन के स्वरूप को पूरी तरह से अपने दिल में स्थान देते हुए अपने दिल में स्थान दे उसे और उसे कहें चलो चलो मेरे साथ आओ मेरे साथ मेरे साथ रहो उंगली पकड़कर गंगा के उसी रास्ते से उसे आप यहां वापस ला रहे हैं अपने दिल में उसी इंट्यूशन को उसी प्लेफुलनेस को जीवन को खुशी से जीने का हर बच्चे की तरह जिसे हर जीवन का जो जीने का तरीका है वो है खेल 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 के साथ जी जाना है जीवन उस बच्चे को अपने साथ यहां लेकर आते हुए पंडाल में अपनी जगह पर आ जाएंगे तीन गहरे लंबे सांस लेते हुए नाक के द्वारा लेकर एक क्षण मात्र के लिए अपने भीतर रोककर मुंह से बाहर छोड़ेंगे अपने दोनों हाथ खोलकर अपनी आंखों पर रखें पांच सेकंड के लिए और धीरे धीरे हाथ हटाकर अपनी आंखें खोलें तो दोस्तों कैन वी स्टॉप द म्यूजिक प्लीज तो दोस्तों अभी हमने अपनी इंट्यूटिव सेल्फ को अपने भीतर लिया है तो आज हम इसके साथ और प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जब हम घर जाएं तो उसको और प्रैक्टिस कर पाए तो चलिए देखते हैं कैसे प्रैक्टिस करेंगे अभी हम प्रैक्टिस करते हैं अपनी इस इंट्यूशन सेल्फ को हमने अभी रिट्रीव करा है रिट्रीव मतलब कि वो ऑलरेडी थी बट उसके साथ मेरा कनेक्शन नहीं था इसको बोलते हैं रिट्रीव करना कि अब हमने अपनी इंट्यूटिव सेल्फ के साथ कनेक्शन बनाया है तो अभी हम क्या करेंगे अभी हम बहुत सारी इंट्यूटिव एक्सरसाइज करने वाले हैं तो क्या आप सब तैयार हैं एक्सरसाइज करने के लिए आगे वालों ने बोला है यस यस तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे एक्सरसाइज तो मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगी आपको गैस करना है गैस मतलब अपने इंट्यूटिव सेल्फ से पूछना है कि इसका क्या जवाब होगा और आपको अपने भीतर रखना है और फिर अगली साल, स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी उसका क्या आंसर है ठीक है तो दोस्तों ये याद रखना है कि जब आप उस स्लाइड को देखें दो प्रोसेस साथ के साथ करनी है एक तो अपनी क्लियरिंग करनी है कि माइंड क्लियर और इंट्यूटिव सेल्फ को कर करना है और कोशिश करनी है यहां से देखें यहां से ठीक है ये खुला हुआ है सिर्फ इसे यूज करना है सोचें यहां से देख रहे हैं ओके स्टार्ट करते हैं पहली इमेज आप देख रहे हैं जो टीवी पर या यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको मैं बताती हूं क्या है ये इमेज है पहले नंबर की इमेज पे आप एक ट्रायंगल देख रहे हैं सेकेंड नंबर की इमेज आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई ठीक है पहली इमेज है ट्रायंगल दूसरी इमेज है स्क्वायर और तीसरी इमेज है सर्कल अब आपको अपनी क्लियर करके माइंड को रिलैक्स करना है और अपनी इंट्यूटिव सेल्फ से इसका आंसर लेना है कि नेक्स्ट स्लाइड में कौन सी इमेज चली जाएगी क्या नंबर वन चली जाएगी या नंबर टू जाएगी या नंबर थ्री जाएगी ट्रस्ट रखें जो भी आपके अंदर से आवाज आ रही है उसको सुने और उसके साथ बने रहें तो मैं अब नेक्स्ट स्लाइड चेंज करने वाली हूँ आप सबने सोच लिया होगा कि क्या आपका आंसर आया है इंट्यूटिव सेल्फ से तो जो आंसर है वो है पहली चली गई तो कितने लोगों ने कहा था कि पहली यस वेरी गुड वेरी गुड देखिए बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरी इमेज पे जाएंगे अपने साथ बने रहिए ये मत सोचिए पहली बार करा और नहीं जवाब आया ओ हो, हो मैं तो नहीं कर पाऊंगा फिर वही आप फियर वाली एनर्जी में जा रहे हैं ज, आप क्रिटिक वाली एनर्जी में जा रहे हैं अपने आप को क्रिटिक कर रहे हैं वो नहीं करना है है ना जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे हम एनहांस करेंगे अपनी इंट्यूटिव सेल्फ को तो कोई बात नहीं अगर पहली बार में सबसे रोटी गोल बन गई थी जब हमने रोटी बनाना सीखा था नहीं बनी थी ना वैसे ही हमें प्रैक्टिस करना है बार बार प्रयास करना है चलिए तो चलते हैं दूसरी इमेज पे दूसरी इमेज है हमारी चार आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं बुके बने हुए हैं फ्लावर्स के पहली इमेज के नीचे दूसरी इमेज के नीचे तीसरी के नीचे और चौथी के नीचे आपको इसमें भी देखना है कौन सी इमेज चली जाएगी कौन से नंबर की इमेज अगली स्लाइड में नहीं होगी पहले नंबर की दूसरे नंबर की तीसरे की या चौथे की अपने माइंड को रिलैक्स करें और अपनी इंट्यूटिव सेल्फ के साथ कनेक्ट करें ओके डन एवरी वन कितनों को वन लगता है हाथ खड़ा करें जिनको वन लगता है खड़ा कर सकते हैं कोई बात नहीं वन ओके वेरी गुड वन टू अरे वापरे टू ओके थ्री वा वंडरफुल एंड फोर ओके एक्सेलेंट नाउ लेट्स सी जो जा रही है वो है नंबर वेरी 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 गुड। 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 देखिए, देखिए कैसे कैसे हम भर रहे हैं और ज्यादा इनहस कर रहे हैं अपनी को. तो अब आगे और ये डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ता जाएगा हर स्लाइड के साथ जैसे पहले सिर्फ तीन ऑप्शन थे अब चार ऑप्शन हो गए अब और एक नेक्स्ट लेवल पर हम लेके जाने वाले हैं अपनी इंट्यूटिव सेल्फ को तो वो क्या है जो नेक्स्ट है यहां पे आपको आठ गाड़ियां दिख रही हैं नहीं दिख रही नहीं प्लीज चला दीजिए आ गई ठीक है आठ गाड़ियां देख रही हैं आप नंबर वन सब पे डाला हुआ है नंबर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इनमें से आपको देखना है किस गाड़ी के अंदर बिल्ली छुपी हुई है किस गाड़ी के अंदर बिल्ली छुपी हुई है कैट अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए वो बिल्ली आपको दिखेगी नहीं गाड़ी के अंदर तो सिर्फ इंट्यूशन से दिखेगी सिर्फ इंट्यूशन <laughs> से दिखेगी वो तो वो आपको देखना है कि किस गाड़ी के अंदर कैट होगी नंबर गेस्ट करिए मतलब इंट्यूटिव सेल्फ से आंसर लीजिए ट्रस्ट करिए अपने पे ट्रस्ट पूरा भरोसा कौन सी गाड़ी हो सकती है वन टू एट ऑप्शन हैं आपके पास किसी एक गाड़ी में है ट्रस्ट करिए जो भी जवाब आ रहा है तो देखते हैं अब कि किस गाड़ी में है हमारी कैट वो है नंबर यस। देखिए कितने लोगों को और आप प्रैक्टिस ये डिफिकल्ट लेवल था क्योंकि आपको इतनी सारी आठ ऑप्शंस में से एक ऑप्शन अपनी इंट्यूटिव सेल्फ को जब आप सुनते हैं उसको आप राइट डायरेक्शन में जाते हैं दोस्तों आ, ये जो प्रश्न है आ, अमेरिका में एक शो आता है जिसको हम कहते हैं अमेरिका साइकिक नंबर वन साइकिक जैसे हमारा बिग बॉस एक रियलिटी शो है वैसे है द साइकिक चैलेंज उसमें ये एक प्रश्न था और उसके अंदर पार्किंग के अंदर 108 गाड़ियां गाड़ियाँ थी और उनमें से एक गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति डिक्की में लेटा हुआ था तो जिस जिस महिला ने इसका उत्तर दिया वो चलती चलती उस गाड़ी के पास पहुंची और पहली बार में उस गाड़ी को वो पकड़ पाए तो अगर हम अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखते हैं दोस्तों तो सारी चीजें हम सबके लिए पॉसिबल हैं थैंक यू तो अब और आगे भरते हैं और अपनी इंट्यूटिव सेल्फ को और एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके साथ कनेक्शन बनाते हैं नेक्स्ट है मैं इसके ये एक खाली स्लाइड है आपको गेस करना है नेक्स्ट पिक्चर क्या होगी क्या इमेज हो सकती है नेक्स्ट ये और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल को हम बढ़ा रहे हैं कुछ इस... नहीं है आपके सामने स्लाइड के आपको नेक्स्ट स्लाइड गेस करनी है क्या पिक्चर हो सकती है एक गहरी सांस लेकर अपने आप को क्लियर कीजिए आंखें बंद भी कर सकते हैं और देखिए फर्स्ट इमेज क्या आती है कोई कलर्स आ रहे हैं कोई किसी की कोई लिविंग नॉन लिविंग क्या दिख रहा है क्या आ रहा है कोई शेप दिख रही है कोई रंग दिख रहा है किसी की कोई इमेज नेचर सीन दिख रहा है फेस दिख रहा है एनिमल दिख रहे हैं या ह्यूमन बींग्स दिख रहे हैं कुछ भी हो सकता है उस इमेज पे ट्रस्ट कीजिए जो भी इस समय आपको आंखें बंद करके या आंखें खोलकर आप महसूस कर पा रहे हैं आप आके खोल सकते हैं शाबाश अभी देखते हैं कि क्या है तो अब देखते हैं कि क्या हो सकती है नेक्स्ट इमेज और वो है <laughs> तो बंद करके एक मुस्कुराहट आ गई हो आप ही के चेहरे पर hmm. वो भी एक साइन है आपकी इंट्यूटिव सेल्फ का किसी भी तरीके से इंट्यूटिव सेल्फ आपकी बोल सकती है किसी को सुनाई देता है किसी को दिखाई देता है किसी को महसूस होता है तो उनमें से ये एक है लाफिंग फेस या आपको एक फीमेल चेहरा दिखा हो या मेल का चेहरा दिखा हो, कुछ भी हो सकता है तो अब नेक्स्ट एक और है इमेज पे हम जाएंगे और आपको वो भी गेस करना है कि नेक्स्ट इमेज क्या हो सकती है फिर से वही हाँ दोबारा से हम कर रहे हैं ये इमेज वाला Just... Cleanse योर सेल्फ एंड शांति में शांति में देखिए क्या आपके अंदर से उभर रहा है पूरा भरोसा रखिए जो अंदर से उभर रहा है अपनी आंखें खोल सकते हैं आप और देखते हैं अगली इमेज क्या हमने आया है हमारा जवाब और वो है काउस ओके वंडरफुल वाओ जो आवाज आती है ये तालियों के बाद तो हम समझ पाते हैं कि उन्होंने शायद सही गैस किया दिक्षे, है दिक्षे, दिक्षे, तो उनकी काउस किसको काउस दिखी काउस वेरी गुड वंडरफुल वाओ वाव ब्यूटीफुल काउ एक्सेलेंट तो ये है हमारी नेक्स्ट इमेज और ऐसे हम इंट्यूटिव सेल्फ के साथ डेली कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स आप कुछ भी चीज़ों को अपने घर में जैसे हसबेंड ऑफिस जा रहे हैं उनको नहीं पता वाइफ ने आज लंच में मेरे को क्या पैक करके दिया है लंच में अपनी अपने इंट्यूटिव सेल्फ से कनेक्ट कीजिए अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए गेस करिए लंच बॉक्स मतलब खोलने से पहले क्या जवाब आता है क्या सब्जी भेजी है क्या भाजी भेजी है चावल है कि नहीं है रोटी है फिर देखिए क्या जवाब आता है दूसरा किसी आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं कनेक्ट करिए रिलैक्स करिए अपने माइंड को इंट्यूटिव सेल्फ के साथ कनेक्ट करिए देखिए किस रंग की ड्रेस पहनी है आपकी फ्रेंड ने जो आप पे फ़ोन पे आपसे बात कर रहे हैं ये आप एक्सरसाइज डेली कर सकते हैं अपने इंट्यूटिव सेल्फ को बढ़ाने के लिए तीसरा आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कभी और टाइमिंग्स पे बेल बजती है क्योंकि हमें पता होता है कि समय कौन आने वाला है पर एक ऐसा टाइम आए जब आपको नहीं पता कौन बाहर किसने बेल बजाई है अपनी इंट्यूटिव सेल्फ से कनेक्ट कीजिए देखिए कौन आया है दरवाजे पर इस चीज़ों से आप अपनी डेली लाइफ में कनेक्शन बना सकते हैं इंट्यूटिव सेल्फ को और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कनेक्शन अपनी इंट्यूटिव सेल्फ के साथ और गहरा होता जाएगा फ्रेंड्स जो अभी धीरे से आवाज़ आप सुन पा रहे हैं वो इतनी तेज़ हो जाएगी वो आवाज़ जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ आपकी इंट्यूटिव सेल्फ आपसे ऐसे बात करेगी पर आपको प्रैक्टिस करनी है ध्यान करना है जिससे आप इसको डेवलप कर सकते हैं तो अभी हम बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्सरसाइज करने वाले हैं जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट है जब मैं ये इंट्यूशन एक्सरसाइज करते हैं हितेश और मैं अभी भी ये फॉलो करते हैं ये एक्सरसाइज को तो अभी अपने क्या करना है ये हमारी इसको बोलते हैं जैसे साइकी अभी हितेश ने शेयर करा जो साइकिक होते हैं जो जिनका इंट्यूटिव लेवल बहुत हाई रहता है जो बहुत डेवलप कर चुके होते हैं तो जैसे उस लेडी ने 108 गाड़ियों में से सीधा वो उस गाड़ी की तरफ गई और उसने बताया कि इसकी डिक्की के पीछे आदमी है वैसे ही है ये साइकिक एबिलिटीज को हम डेवलप करते हैं ये इनके वेज हैं डेवलप करने के लिए तो अभी हम क्या करेंगे सबसे पहले आपको दो के पहले आप सुन लीजिए गाइडलाइंस फिर हम उसको फॉलो करेंगे हम सबको दो के पेयर में ग्रुप बनाना है दो जनों के साथ अपनी टीम बनानी है एक मैं और एक हितेश जैसे हम दोनों की ये टीम हो गई ऐसे ही आपको पेयर बनाना है और उसके साथ पेयर बनाना है जिसको आप नहीं जानते हो जो आपके साथ बैठे हैं वो तो जरूर आपके फैमिली और फ्रेंड्स होंगे तो जो पीछे बैठे हैं उनके साथ जो साथ में बैठे हैं उनके साथ नहीं लोगों के साथ जिनके साथ आप अभी मिले नहीं हो आप उनके बारे में जानते नहीं हो आपको कुछ नहीं पता उनके बारे में आपको पैर बनाना है पहले सुन लीजिए पैर बनाना है फिर क्या करना है पैर के बाद आप दोनों को अपनी कोई एक ऐसी चीज उस पर्सन को देनी है जो आपके पास में भी छः महीने से आप उसको यूज कर रहे हो आपका फोन हो सकता है आपकी रिंग हो सकती है आपकी बैंगल हो सकती है कुछ भी जो भी अभी आपके पास है आपको वो एक चीज उस पर्सन को देनी है और वो पर्सन भी सेम आपको वो चीज अपनी कुछ देगा समझ आ गया यहाँ तक दूसरा स्टेप क्या है पहले पेयर बनाना है और अपनी कोई एक चीज़ उसको देनी है और दूसरा वो भी आपको अपनी चीज देगा फिर उसके बाद हम ये एक्सरसाइज करेंगे जिसमें मैं आपको गाइड करूँगी आपको उस चीज़ को अपने हाथ में होल्ड करना है पकड़ना है और उसको फील करना है उस चीज़ को और कैसा लग रहा है क्या होगा वो मैं सब कुछ गाइड करूँगी आपको अपनी इंट्यूटिव सेल्फ के साथ कनेक्ट होके उस चीज से बात करनी है एक तरीके से ठीक है आपको तैयार है ये सब एक्सरसाइज करने के लिए यस yes. तो आगे मैं आपको गाइड करूँगी कैसे करना है फिर उस चीज से आपको जो जो मैसेज मिल रहा है जो जो आपको इंट्यूटिव सेल्फ आपको बता रही है आपको वो चीज लेनी है और फिर उस एक्सरसाइज के बाद हम एक दूसरे से शेयर करेंगे कि जो भी आपको उस समय मैसेज आया या गाइडलाइंस आई हैं तो आप वो दूसरे फ्रेंड से करेंगे तो दोनों जने एक साथ करेंगे इस एक्सरसाइज को वो आपकी चीज पकड़ के मेडिटेट करेंगे और दूसरा जन आप उनकी चीज पकड़ के करोगे तो फटाफट से हम पैर बना ले अनोन के साथ ज्यादा घूमे मत बस पीछे मुड़ जाए क्योंकि तो पीछे वाले अन होंगे मोस्टली जो साथ बैठे हैं वो आपके फ्रेंड्स होंगे हाँ। सिर्फ एक मिनट दिया जा रहा है फटाफट से पैर बना लीजिए तो दोस्तों बात करके अपनी अपनी इंट, अपनी जो फोकस है उसको वेस्ट नहीं करें हाँ अपनी इंटेंशन के साथ रहें, अपने पूरे फोकस के साथ दूसरे का ऑब्जेक्ट रीड करने का प्रयास करेंगे हम आपको थोड़ा थोड़ा गाइड कर रहे हैं इस प्रोसेस में बात कम करें ताकि अपनी एनर्जी के साथ अपने माइंड को काम रखें एनर्जी अपनी वेस्ट ना करें तो दोस्तों हमारे साथ रहेंगे हमें भी बहुत खुशी होगी प्लीज यस हम आप सबको गाइड करेंगे जी आप बैठ जाइए कोई भी खड़ा ना हो बस चाहे कोई बात नहीं वो आपके पीछे बैठा है आप नहीं मुड़ पा रहे हो तो भी चलेगा बस उसकी चीज को पकड़ लीजिए जो भी उन्होंने आपकी फ्रेंड ने जो भी उस पर्सन ने आपको दी है तो आई थिंक सबके पास मिल गया है सबको कोई चीज अपने उससे पेयर से क्या हम हाथ खड़ा कर सकते हैं ताकि मैं आगे चल पाऊं यस थैंक यू थैंक यू चलिए हैंड नहीं पकड़ना चीज पकड़नी है <laughs> हैंड नहीं पकड़ना चीज पकड़नी है ठीक है चीज पकड़नी है सब अब एकदम शांत इस समय तीन गहरे लंबे सांसें लीजिए नाक के द्वारा लेते हुए एक क्षण मात्र के लिए अपने भीतर उसे रोकें। और धीरे धीरे से अपने मुंह से उसे बाहर निकालें एक और दफा गहरा लंबा सांस लेते हुए और धीरे धीरे उसे मुंह से बाहर जाने दें। आखिरी दफा पूरी तरीके से गहरा लंबा सांस और धीरे धीरे उसे बाहर जाने दे और इस समय अब अपना ध्यान अपनी सरल सांसों पर लगाए कोमल सांसों पर लगाए जैसे जैसे आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगा रहे हैं आपका शरीर आपका मन शांत होता जा रहा है पूरी तरीके से शांत हो जाए जब हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हैं हमारे शरीर की शुद्धि हमारे मन की शुद्धि अपने आप होने लगती है इस समय आपका मन पूरी तरीके से शांत हो चुका है इस समय अपनी इंट्यूटिव सेल्फ के साथ जुड़ें अपनी इंट्यूटिव सेल्फ के साथ कनेक्शन बनाए पूरी तरीके से साथ अपनी इंट्यूशन सेल्फ के साथ जुड़े हुए अब आप देखें कि जो आपने अपने दोस्त की चीज को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है कैसा लग रहा है जब आप इसको पकड़ के रखा हुआ है क्या कोई भाव आ रहे हैं कोई सेंसेशन फील हो रही है कोई वाइब्रेशन फील हो रही है क्या हो रहा है जब आपने इस चीज को पकड़ा हुआ है पूरी तरह से ट्रस्ट रखें विश्वास रखें जो भी आ रहा है अब देखें कि क्या ये जो वस्तु आपने पकड़ी हुई है क्या ये आपको फ्रेंड ने खरीदी है या उसे गिफ्ट मिली है ट्रस्ट रखें अपनी इंट्यूशन सेल्फ के क्या ये आपके दोस्त को उपहार में मिली है या उसने खुद खरीदी है ये वस्तु कितने समय से है मेरे दोस्त के पास क्या उसने अभी अभी यह वस्तु उसको मिली है या बहुत सालों से है उसके पास जो भी हो रहा है आ रहा है उसे होने दे, आने दे। और आप देखें ये वस्तु आपको सहायता करेगी अपने दोस्त के घर जाने में अब आप उस इंसान के घर जाइए जिसकी ये वस्तु है पूरा भरोसा रखते हुए आप पूरी तरीके से उसके घर के बाहर खड़े हैं कैसा दरवाजा है आपके दोस्त के घर का दरवाजा किस धातु से बना है क्या दरवाजा लकड़ का है स्टील का है लोहे का है और अब आपको अनुमति दें अपने आप को घर के भीतर जाने की आप अपने दोस्त के घर के भीतर जा रहे हैं इंट्यूटिव सेल्फ के साथ उस घर में प्रवेश करें देखें आसपास कौन कौन है घर में आसपास कोई तस्वीर टंगी हुई है वहां के कमरे के पर्दे किस रंग के हैं का रंग क्या है कैसा महसूस हो रहा था आपको उस घर में? इन सब चीजों को अपने साथ लेकर आते हुए वापस से इस जगह पर और आप कनेक्ट करें दोबारा से इस वस्तु जो आपने हाथ में पकड़ी हुई है ये वस्तु आपको कोई संदेश देना चाहती है आपके दोस्त के बारे में जिसकी ये वस्तु है क्या संदेश दे रही है ये वस्तु उस संदेश को ले क्या बताना चाह रही है ये वस्तु उस संदेश को लेते हुए इस समय एक गहरा लंबा सांस लें नाक के द्वारा लेते हुए उसे मुंह से बाहर छोड़ें और इस वस्तु को धन्यवाद दें धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे संदेश देने के लिए और जब भी आप तैयार हो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें अपने इंसाइट्स के साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ बने रहें अपने हाथ आप अपनी आंखों पर रख सकते हैं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें यस yes, फ्रेंड्स आप सबको जो भी अभी इस समय अनुभव हुआ या इनसाइट्स जो मिले हैं तो आप अपने उस फ्रेंड के साथ जिसकी वो वस्तु थी पहले आप बताइए कि जो भी आपको हुआ फिर वो आपको बताएंगे कि जो उनको अनुभव हुआ तो हमारे पास दो मिनट हैं एक मिनट पहला वाला शेयर करेगा और दूसरे मिनट दूसरा वाला तो दो मिनट में ये हमें शेयरिंग खत्म करनी है तो आप एक दूसरे से बात करिए ओके फ्रेंड्स डिस्कशन हो गया वेरी गुड तो हम आप में से दो ग्रुप्स को यहां बुलाना चाहेंगे हाँ स्टेज पर कौन अपने दो ग्रुप हाँ जी आ जाइए मैडम आप आ जाइए आ जाइए अपने दोस्त को साथ में लेकर सिर्फ दो ग्रुप्स आएंगे बस दो ग्रुप्स तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एक्सरसाइज करके वेरी गुड वंडरफुल तो दोस्तों अब हम ऐसा करेंगे आ, हमारे पास वैसे बहुत समय है हम सबके इन ट्यूशन के, के एक्सपीरियंसेस को सुनेंगे बाद में अभी इनके अनुभव को सुनते हैं और देखते हैं कि क्या इनका क्या कहना है इनके क्या, क्या इनसाइट्स हैं तो आप सब फिर से वापस इस तरफ मैडम आप सब छोटे छोटे शब्दों में ठीक है शुरू कीजिए सभी को आत्म बंधन और यो, उन्होंने अंगूठी दी थी मुझे थोड़ा पास अंगूठी दी थी ऐसे लग रहा था मुझे मेरे पत्री जी और मेरे राधा और कृष्ण मिल गए हैं मुझे और मुझे ऐसा नहीं लग रहा था जी अंगूठी है ये मेरे प्रिया प्रीतम और मेरे पत्री जी लग रहे थे मुझे जी और जो इनके बारे में दिखा वो सच था सब सच था क्या क्या बताया उन्होंने ये अंगूठी इनके पति ने दी है उपहार में और साल से ऊपर हो गया है इनको वेरी wow. गुड इनके पति इनको बहुत प्यार करते हैं और ये बहुत अच्छी आत्मा है ये आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही प्रचार करेंगे बहुत सुंदर वेरी नाइस धन्यवाद वेरी गुड जी मैं महाराष्ट्र से हूँ uh, दोस्तों ये... हम सब इस तरफ यस yes. मैं महाराष्ट्र से हूँ यहाँ मुझे दीदी ने ज्वाइन किया था इन लोगों ने मुझे उनका कंगन दिया था जो मुझे साक्षात राधा जी और कान्हा जी के दर्शन हुए जब मैंने इनको बोला कि आपने लिया है राधा जी से तो उन्होंने बोला हाँ मुझे राधा जी से ही उपहार में मिला है और जब घर यूजलाइज हुआ था तो कान्हा जी की मूर्ति थी तो बोले हाँ है मेरे कान्हा ये भी बहुत पुण्य है ये अभी सबके लिए बहुत अभी तो ये अपने साथ है पर बहुत जल्दी इनके पास सब जन जागृति की मैम में देश इनकी आत्मा है बहुत सुंदर वेरी गुड ब्यूटीफुल वंडरफुल आप सभी को मेरा नमन मैं रितेश कुमार और मेरे साथ जो खड़े हैं ये आज पहली बार मेरे से मिले मैं आके बगल में इनके बैठ गया था आपका नाम जयंत जयंत कुमार मिस्टर uh, जयंत कुमार तो जो अभी आपको बताया जा रहा था उस पर मैं काफ़ी बिलीव करता हूँ इसको रिमोट रिमोट व्यूइंग भी कहते हैं अमेरिका के ऊपर में काफ़ी रिसर्च हुआ है इसका और अमेरिकन आर्मी ने भी बहुत रिसर्च किया है इस पर नाइनटीन में तो मैं इस पर बहुत बिलीव करता हूँ लेकिन मैंने इसको टेस्ट किया आज तो जैसे कि इन्होंने बताया कि आप अपनी पर्सनल कोई चीज़ दे दीजिए लेकिन मेरा इतना इस पर गहरा विश्वा, विश्वास है कि मैंने इनको अपनी पर्सनल चीज़ नहीं दी और मैंने इनको केवल अपने होटल की कमरे की चाबी दे दी जिस कमरे में मैं रुका हुआ हूं वो चाबी मैंने इनको पकड़ा दी और इनसे एक कार्ड ले लिया और फिर उसके बाद ये बताएंगे कि इन्होंने मेरे बारे में क्या बताया धन्यवाद आत्मवंदन सभी को जैसे बताया मैंने जैसे मेरे हाथ में ये चाबी पकड़ाया तो मेरे को लगा कि ये गाड़ी का चाबी है लेकिन मैं जैसे बताया सर ने कि आप अपना इन को बताओ मैंने धीरे से आगे जैसे ध्यान किया ध्यान से मेरे को लगा कि मैं उनका घर जा रहा हूँ उनका घर बहुत बड़ा सा घर है और सामने जो डोर है वो लकड़ी का डोर है बहुत बड़ा लकड़ी का डोर है और अंदर गया अंदर गया देखा तो बहुत बड़ा सोफा लगा हुआ है और वो भी ड्राइंग बहुत बड़ा है और सामने एक मंदिर है ऊपर एक फोटो लगा है और दोनों दो तरफ दो दो से दो बड़ा बड़ा कमरा है जैसे मैंने उनको पूछा उन्होंने बताएंगे वाह बिल्कुल एकट है और मेरे घर में पत्री सर भी जा चुके हैं जो भी उनके साथ मेरे घर में आए होंगे उनको मालूम होगा कि ये जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है वेरी गुड वंडरफुल और जब मैंने आंखें खोली तो मैंने इनसे कहा कि आप या तो एग्रीकल्चर विभाग से हैं या आपका सिंचाई में बहुत ज़्यादा जो है मतलब आप वो करते हो और इन्होंने कहा कि हाँ ये सच है बहुत सुंदर बहुत सुंदर थैंक यू मेरा नाम गणेश आखिरी अनुभव लेंगे कम शब्द मैं भोपाल से हूँ मेरे पीछे जो भाई साहब बैठे थे मैं इनको पहचानता नहीं लेकिन मैंने इनको अपना मोबाइल दिया और उनसे ए, उनका मोबाइल मैंने ले लिया और जैसे यहाँ स्टेज से बोला गया कि आप फर्स्ट में ये सोचिए कि उनको किसी ने गिफ्ट दिया कि नहीं दिया या खुद खरीदा तो देखिए मैंने पहला नंबर ये सोचा कि इनको इनके बच्चों ने ये मोबाइल गिफ्ट दिया होगा तो इन्होंने कहा कि हाँ मैंने जब पूछा जाके फिर दूसरा पॉइंट मैंने सोचा कि इनको ये जो मोबाइल है इनके बच्चों ने दो वर्ष पहले गिफ्ट किया होगा तो मैंने पूछा कि यस तो इन्होंने कहा यस मैंने तीसरा पॉइंट सोचा जैसे ही स्टेज से बोला कि आप कल्पना कीजिए कि आप उनके घर जा रहे हैं मैं चलता हुआ इनके घर पहुंचा मैंने देखा कि इनके घर लकड़ी का दरवाज़ा नहीं है टीन का दरवाज़ा लगा हुआ है इन्होंने कहा कि यस मेरी यहाँ टीन का दरवाजा लगा हुआ है चौथी बात मैंने सोची कि इनका मकान पहले दरवाजा खुलते से ही बैठक फिर बीच में एक कमरा फिर किचन और डबल मंजिल मकान बना हुआ मेरे को लगा मैं इनके घर में जाके बैठा हुआ तस्वीरें लगी हुई है मैंने इनसे पूछा इन्होंने कहा यस और चौथी बात जो स्टेज से बोली थी मैंने इनसे ये ये भी मैंने बस एक क्षण इनको पीछे देखा था कि ये बहुत भले इंसान हैं ये किसी के साथ चालाकी नहीं कर सकते जो भी ये काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं मैंने इनसे कहा कि आपका स्वभाव ऐसा है इन्होंने कहा यश तो मुझे खुद आज अपने आप में ये आश्चर्य हो रहा है कि मैंने ये सब बातें कैसे सोच ली और क्या हुआ थैंक यू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थैंक यू सर कम समय की कमी है हमारे पास हम सबके अनुभव सुनना चाहेंगे मैं समझ सकता हूं कि मैं बॉम्बे से शुचंद्र चौधरी हां सबके अनुभव सुनना चाहेंगे किसी को भी मिस नहीं करेंगे हम सेशन के बाद आप हमें मिलिए अपने अनुभव बताइए क्योंकि हम और भी चीजें आपको कराना चाहते हैं तो हम वो नहीं मिस कराना चाहते तो जरूर आपका अनुभव सुनेंगे आप सबका सुनेंगे तो आप प्लीज अपनी जगह पर बैठ सकते हैं आप सब तो दोस्तों हमारे पास ये एक बैग है आप सब देख आप सकते हैं कौन से रंग का बैग है ये आप, आपको पीछे पीछे पर्पल ठीक है आप पीछे। अब आपको गैस करना है गैस नहीं इंट्यूट करना है इस बैग में क्या है अपने फर्स्ट फर्स्ट अनुभव को पिक करिए इस बैग में क्या है बुक है बुक है ओके okay. मोबाइल है ओके पिरामिड okay. है कोई Mobile. कह रहा है वाटर बॉटल है ओके पेपर प्लेट है अम्ब्रेला है ओके okay. और कुछ नहीं है कुछ नहीं है कोई कह रहा है जो इसमें होगा Uh, वो उनको दे दिया जाएगा जिसका आंसर सच होगा ठीक है तो, तो आप आइए प्लीज आइए प्लीज आइए प्लीज, प्लीज का uh, पहले उन्होंने बोला पहले पर आ, आ, आपको भी मिलेगा, आपको। वो तो एक और बुक स्पिरिचुअल इंडिया इस सब आ, हम इस मैगजीन को सब्सक्राइब करेंगे ये पिरामिड जगत से ये स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन है प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट आपको काउंटर पे इसका रजिस्ट्रेशन मिलेगा आप इसको जरूर लीजिए तो दोस्तों आ, ये जो बुक मैंने दी है इस बुक का नाम है सुंदरम स्पीक्स ये बुक मेरे द्वारा लिखी गई है और आ, ये बुक आपको काउंटर पे रजिस्ट्रेशन काम काउंटर पे कुछ कॉपीज़ हैं अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर रजिस्ट्रेशन काउंटर से आप इसको ले सकते हैं अपने लिए और दोस्तों इसके साथ हम आ, अपनी आखिरी स्लाइड को आपको दिखाना चाहेंगे कि आप कैसे अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्वाइटनिंग द माइंड अपने मन को शांत करिए फिर क्लीन करने के बाद उसमें से इंफॉर्मेशन को आने दीजिए दूसरा अवेयरनेस को अपनी बढ़ाएं अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं क्योंकि जो इंट्यूशन की आवाज़ होती है आपको अपनी क्रिएटिविटी पर काम करने के लिए कहती है अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को नहीं यूज़ करेंगे तो इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं सो जाएगी एंड सींग फ्रॉम द थर्ड आई जब भी भी किसी से बात करें जैसे हम आपसे बात करते हैं हम ज्यादातर कोशिश करते हैं मैं आपको यहां से देखूँ क्योंकि जब मैं आपको यहां से देखूंगा मैं आपको आत्मा के स्तर पर देखूंगा ये आपको शरीर के स्तर पर देखता है तो कोशिश करें यहां से देखने की हर बात करें यहां से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों कि अपने बच्चों को भी इंट्यूशन ग्रो करने का पूरा मौका दें उनकी सहायता करें आज के युग में इंट्यूशन एक ऐसा गिफ्ट है जो हम सबको अपने लिए उजागर करना चाहिए और हमारे भीतर ही है और इसी के साथ हम सबको आपको सबको धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए शुभांगी और मैंने आपके साथ बहुत मज़ा किया थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू आप सभी का और पी का और जो हमें टीवी पर देख रहे हैं यूट्यूब देव पर देख रहे हैं उन सब दर्शकों का हमारे साथ बनने के लिए आप सबका बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू एवरी वन थैंक यू